डॉक्टर वसंत विजय जी के आशीर्वाद से मिलेगी 100% सफलता। करे रविवार को दाना मेथी का यह उपाय, देखे सीखे मीडिया का यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com की यूट्यूब चैनल सीके न्यूज में आपका स्वागत है। माँ पद्मावती के परम उपासक, सिद्ध साधक, परम पूज्य राष्ट्र संत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरुदेव श्री जी के शुभ आशीर्वाद से आज हम जानेंगे कि जीवन में किस प्रकार दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज के बताए व्यवहारिक ज्ञान व उपाय को जानकर निश्चित सफलता के द्वार तक पहुँच सकते हैं। व्यापारी को व्यापार बढ़ाने के लिए, भक्तों को उसकी भक्ति का लाभ मिले, घर में अशांति, तनाव, गृह कलेश होने पर तथा परिश्रम का पूर्ण लाभ न मिलने पर इन सबके समाधान का उपाय आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो व्यवहारिक ज्ञान यही है कि व्यक्ति को परस्पर कभी किसी के गले नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की नेगेटिव तरंगे व्यक्ति की उन्नति को प्रभावित करती है। जहाँ तक वर्तमान परिपेक्ष में भी दूर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन करने की सीख निर्देश दिए जा रहे हैं। खैर, मेहमान, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो, गले लगाना व्यवहारिक रूप से कतई सही नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक तरंगे देकर आपके जीवन के सुख को नष्ट करता है। सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब के मुताबिक भारतीय सनातन संस्कृति के सामाजिक प्राणी को अपने सुखी व प्रगतिदायक जीवन के लिए परस्पर किसी से भी गले नहीं मिलने के उपाय को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, गुरुदेव श्री जी के आशीर्वाद से पूर्ण श्रद्धा से बताए गए उपाय को करने पर 100% परिणाम मिलेगा ही। उनके बताए हुए बेहद सरल उपाय से जो असर दिखेगा अर्थात फल मिलेगा, निश्चित ही आप माँ पद्मावती व गुरुदेव श्री जी का जयकारा लगाए बिना नहीं रहेंगे। अब जानते हैं आर्थिक मंदी के इस दौर में भी हमारी प्रगति अथवा सफलता कैसे प्राप्त हो। यह उपाय प्रत्येक रविवार को प्रातः सूर्योदय के समय करना है। अल सुबह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर अर्थात पवित्रता के साथ अपने इष्ट देवता व कुल देवी देवता को याद करते हुए यह उपाय करना है। हर घर में दाना मेथी होती है, करीब एक मुट्ठी, यानी इस दाना मेथी को कांच के बाउल में भर कर घर के हॉल, मंदिर, कमरे अथवा दुकान आदि में रखना है। कांच के बाउल के अलावा स्टील या अन्य किसी पात्र में इसे नहीं रखना है। यह उपाय 9 सप्ताह तक करना है। पहले रविवार को रखी गई दाना मेथी को अगले रविवार को उसी समय प्रातः काल में बदल देना है। पुरानी दाना मेथी को कागज में लपेट कर रख दें। 2 से 3 दिनों में जल में उसे कागज से निकाल कर प्रवाहित कर देना है। नकारात्मक ऊर्जा व दरिद्र दुखों को अपने में समेटने वाली दाना मेथी के उपाय का यह क्रम 9 रविवार तक करना है। दाना मेथी के इस उपाय से घर, दुकान अथवा आपके व्यापार को लगे किसी भी श्राप, दोष, दुख से छुटकारा मिलेगा। निश्चित ही आपकी नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। 9 सप्ताह में हर दृष्टिकोण से आपकी उन्नति व सफलता निश्चित ही दिखाई देने लगेगी। पूजा आराधना का भी फल मिलने लगेगा। कहने को स्वाद में कड़वी दाना मेथी विश्व की दिव्य औषधि अर्थात रामबाण है। इसकी कड़वाहट व्यक्ति के जीवन में दुखों, संकटों भरी कड़वाहट को दूर कर सुख बरसाएगी। व्यापार बढ़ाने व लक्ष्मी को खींचने में रामबाण है। समस्त सृष्टि के जीवों अर्थात मानव जगत के कल्याण के लिए प्रयासरत राष्ट्र संत गुरुदेव श्री जी डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब के मुताबिक व्यक्ति अपने सात्विकता भरे भाव से अपनी प्रगति के साथ साथ निरीह प्राणियों अथवा गायों को चारा घास खिलाए, पक्षियों को चुगा दाना डाले तथा किसी जरूरतमंद की आवश्यकता अनुसार मदद करें तो निश्चित ही भाग्योदय होगा। जय गुरुदेव। छोटीकाशी.com के लिए आध्यात्मिक डेस्क से सीके न्यूज की रिपोर्ट। जय जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।